हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम लीस्ट कॉस्ट पाथ एल्गोरिथम का सेकेंड टाइप देख रहे हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डाइस्ट्रास एल्गोरिथम, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ किस पे एप्लीकेबल था, जिसमें जो वेट्स थे वो सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, लिंक के जो वेट होने चाहिए वो सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए डाइस्ट्रास एल्गोरिथम में। लेकिन अगर लिंक का वेट नेगेटिव भी है तो उस केस में हमें बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ यूज टू फाइंड ऑल शॉर्टेस्ट पाथ इन ए ग्राफ फ्रॉम सोर्स टू ऑल अदर नोड्स। तो सिमिलर टू डाइस्ट्रास एल्गोरिथम, यहाँ पर भी एक सिंगल सोर्स वर्टेक्स होगी और बाकी वर्टाइसिस से उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ग्राफ में उसको हमें फाइंड आउट करना होगा। द एल्गोरिथम रिक्वायर्स दैट द ग्राफ डस नॉट कंटेन एनी साइकिल्स ऑफ नेगेटिव लेंथ, बट इफ इट डस द एल्गोरिथम इज एबल टू डिटेक्ट इट। इस एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट क्या है कि ग्राफ के अंदर नेगेटिव साइकिल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव साइकिल मतलब होता है जैसे ए से सी जा रहे हैं, इसका वेट 1 है, सी से डी का वेट -5 है, डी से बी का 1 है और ए से बी का 2 है। तो अगर हम इसमें साइकिल देखें तो एक कौन सी साइकिल है, ए से बी, बी से डी, डी से सी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी अगर टोटल कॉस्ट निकाल तो क्या हो जाएगा, 2+1 3, 3 -5 -2 -2 +1 -1। तो यहाँ पर क्योंकि ये वेट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये क्या एक नेगेटिव साइकिल है। तो ए साइकिल हुज टोटल वेट इज़ नेगेटिव, एक साइकिल का अगर आप टोटल लिंक का कॉस्ट निकालोगे और अगर वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है ये एक नेगेटिव साइकिल है। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम इस अगर किसी ग्राफ में नेगेटिव साइकिल है तो वो उसका शॉर्टेस्ट पाथ नहीं फाइंड आउट करेगा, बल्कि आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि इस ग्राफ के अंदर जो है नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट करती है, नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है कि ये एल्गोरिथम क्या रिक्वायर करता है कि ग्राफ के अंदर कोई साइकिल ऑफ नेगेटिव लेंथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर है तो एल्गोरिथम आपको डिटेक्ट करके बता देगा। बोल सकते हैं इफ देयर इज नेगेटिव वेट साइकिल देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस आर नॉट कैलकुलेटेड, नेगेटिव वेट साइकिल इज रिपोर्टेड। तो अगर नेगेटिव वेट साइकिल है एल्गोरिथम के अंदर तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं कैलकुलेट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट होगा, बल्कि एल्गोरिथम जो है वो नेगेटिव वेट साइकिल को रिपोर्ट कर देगा, बता देगा कि इस ग्राफ के अंदर नेगेटिव वेट साइकिल है। तो इसको हम इस एल्गोरिथम को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ग्राफ गिवन है जिसमें नेगेटिव वेट्स भी हैं, अगर नेगेटिव वेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हों ग्राफ के अंदर और आपसे बोला है लीस्ट कॉस्ट शॉर्टेस्ट पाथ आपको कैलकुलेट करनी है फ्रॉम सोर्स टू रिमेनिंग वर्टाइसेस, तो आप इस पर डाइस्ट्रास एल्गोरिथम नहीं अप्लाई करोगे। इस पर कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करोगे, बेलमैन फोर्ड, क्योंकि बेलमैन फोर्ड नेगेटिव वेट्स पे भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इनिशियली हमें एक डिस्टेंस एरे बनानी होगी, एक डिस्टेंस एरे है जिसकी वैल्यू, जिसकी साइज़ क्या होगी, नंबर ऑफ वर्टाइसिस इन ए ग्राफ। नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितनी है, ए बी सी डी ई, 5 वर्टाइसिस, तो 5 साइज़ की ये अरे बनेगी डिस्टेंस अरे। और इनिशियली जो सोर्स वर्टेक्स है वो हमारी ए है, उसके डिस्टेंस को 0 रखना है, बाकी सारी वर्टाइसिस को इन्फिनिटी रखना है। अब जब भी हमें शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना होगा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम से, तो हमें देखना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी होंगी जो हमें अप्लाई करनी होंगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितनी है इसमें 5, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस जो लगेंगी शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने में वो होंगी 5-1 यानी कि 4। नंबर ऑफ वर्टाइसिस से एक कम, आपको इटरेशंस, मैक्सिमम इटरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे जिससे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। कंडीशन क्या है, नेगेटिव वेट साइकिल नहीं होनी चाहिए, अगर नेगेटिव वेट साइकिल होगी इस ग्राफ के अंदर भी तो ये एल्गोरिथम रिपोर्ट कर देगा कि इस ग्राफ के अंदर नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। अब स्टार्ट कैसे करना है, फर्स्ट इटरेशन से। फर्स्ट इटरेशन में हम क्या देखेंगे कि ये ए नोड जो है ये किससे कनेक्टेड है, बी से, और इसकी कॉस्ट क्या है, -1। इस वेट की कॉस्ट क्या है, -1, ठीक है। तो ए की, बी की पहली कॉस्ट क्या थी, इन्फिनिटी। अब अगर हम ए से इसकी कॉस्ट लेते, ए की कॉस्ट तो 0 है और इस वेट की कॉस्ट क्या है, -1, तो बी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। तो हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, अभी ए नोड को, तो मैंने यहाँ पर दिख ही दिया है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है बट समझाने के लिए मैंने बताया हुआ है कि हम किस नोड से हम डिस्टेंसेस फाइंड कर रहे हैं, कंसीडरिंग ए नोड।
ठीक है, तो ये जीरो तो एज इट इज रहा क्योंकि बी का डिस्टेंस पहले इन्फिनिटी था, अब माइनस वन मिल रहा है तो बी की वैल्यू माइनस वन कर दी। ए नोट को हम देख रहे हैं और चेंज किस में हुआ है, बी में, तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया आपको समझाने के लिए कि बी में चेंज हो गया। फिर क्या होगा, ए नेक्स्ट किससे कनेक्टेड है, सी से, तो ए की कॉस्ट तो क्या है जीरो, प्लस वेट की इस एज की कॉस्ट क्या है फोर, तो जीरो प्लस फोर इज़ फोर, तो सी की कॉस्ट आ रही है फोर और पहले क्या थी इन्फिनिटी, तो सी को हम फोर से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू से रिप्लेस होते जाते हैं डिस्टेंसेस। तो यहाँ पर किस ए की वजह से किस में चेंज आ गया, सी में। क्या ए की वजह से और किसी में चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि बाकी तो क्या है उससे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अब हम किसको कंसीडर करेंगे, बी नोड को। बी नोड की कॉस्ट कितनी हो चुकी है, बी नोड की कॉस्ट हो चुकी है माइनस वन। अब बी किससे कनेक्टेड है, देखो सी से कनेक्टेड है, तो बी सी की कॉस्ट क्या हो जाएगी माइनस वन, बी की कॉस्ट प्लस एज की कॉस्ट, जैसे हम डायस्ट्रास एल्गोरिथम में भी कर रहे थे, तो माइनस वन प्लस थ्री इज प्लस टू, तो सी की कॉस्ट पहले कितनी है फोर, अब कितनी हो जाएगी टू, क्योंकि टू जो है वो लेस देन फोर होता है। तो बी की वजह से किस में चेंज आ गया, ये बी का केस है पूरा, बी की वजह से किस में चेंज आ गया, सी में, ये मैंने लिखा है। अब बी किससे और कनेक्टेड है, डी से, बी से एच किसकी तरफ जा रही है, डी की तरफ जा रही है। तो अब देखेंगे हम बी की कॉस्ट कितनी है माइनस वन, इस एच की कॉस्ट क्या है टू, तो माइनस वन प्लस टू इज़ प्लस वन, तो डी की कॉस्ट आ रही है प्लस वन, पहले क्या थी इन्फिनिटी, अब क्या आ गई वन, तो हम डी की वैल्यू को वन कर देंगे। और बी से आउट गोइंग एज कहाँ जा रही है, ई पे, बी की कॉस्ट है माइनस वन प्लस टू, कितना आ रहा है प्लस वन, ई की कॉस्ट पहले क्या इन्फिनिटी, लेकिन अब हम इसे वन कर देंगे। तो बी की वजह से सी में चेंज आया, डी में चेंज आया और ई में चेंज आया। अब हम कंसिडर करेंगे सी को, हमें सारे नोड्स को कंसिडर करना है हर इटरेशन में। अब सी को कंसिडर किया, तो सी से तो कहीं भी आउट गोइंग एज है ही नहीं, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो नो चेंज लिखा है हमने। अब डी को देखो, डी से आउट गोइंग कहाँ जा रही है, बी पे, डी की कॉस्ट कितनी निकल चुकी है, देखो डी की कॉस्ट निकल चुकी है वन, तो डी की कॉस्ट वन है और ये डी से बी जाने पे वन और ऐड हो रहा है, तो वन प्लस वन इज़ टू, डी की कॉस्ट कितनी थी माइनस वन, अब कितनी आ रही है टू, तो क्या चेंज करेंगे, नहीं, क्योंकि माइनस वन स्मॉल वैल्यू है, तो नो चेंज, तो डी की वजह से भी कोई चेंज नहीं आएगा। हम ई पे आएंगे, तो ई से आउट गोइंग एज डी पे है, ई की कॉस्ट कितनी हो चुकी है, देखो वन, वन माइनस थ्री इज माइनस टू, तो डी की कॉस्ट पहले कितनी थी वन, लेकिन क्योंकि माइनस टू वैल्यू उससे स्मॉलर होती है, तो इसको हम माइनस टू से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हुआ चेंज इन डी वैल्यू, तो ई की वजह से डी की वैल्यू जो है अब माइनस टू हो गई है। तो ये हमारी फर्स्ट इटरेशन कम्प्लीट हो गई, हमने सारे नोड्स को एक एक करके कंसिडर किया और फिर देखा कि कहाँ से आउट गोइंग एज जा रही है, नोड से आउट गोइंग एज किस नोड पर जा रही है, तो उस नोड की कॉस्ट प्लस उस एज की कॉस्ट जिससे वो कनेक्टेड हैं दोनों नोड्स, उनको ऐड करें, अगर उसकी वैल्यू स्मॉलर आ रही है तो उसको हम न्यू डिस्टेंस वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन अगर ग्रेटर आ रही है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं रख रहे हैं। अब सेम सेकेंड इटरेशन अप्लाई होगी, फर्स्ट इटरेशन में हमें वैल्यूज क्या मिल चुकी हैं, जीरो माइनस वन, टू माइनस टू और वन। अब हम ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए से ए की कॉस्ट जीरो थी, अब ए से बी की कॉस्ट निकालोगे तो क्या आएगी, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, अब बी में पहले से ही माइनस वन है तो कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली ए की कॉस्ट जीरो है और सी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो प्लस फोर इज फोर, और सी की कॉस्ट कितनी हो चुकी है टू, तो क्या हम चेंज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, पहले से ही हमारे पास स्मॉलर वैल्यू अवेलेबल है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब बी से देखो, बी की कॉस्ट कितनी है माइनस वन, तो अब बी से कौन सी आउट गोइंग एज जा रही है, सी की तरफ, तो माइनस वन प्लस थ्री इज टू, और सी की कॉस्ट कितनी है, और पहले से ही टू है, तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये किसका केस था, ए को हमने लिया था, देखो सर्कल मैंने कर दिया, ये हम बी वर्टेक्स को देख रहे हैं, बी वर्टेक्स की वजह से भी आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। फिर आप सी से भी देखोगे, तो देखो सी की कॉस्ट कितनी थी, सी की कॉस्ट थी टू, तो सी की कॉस्ट टू है और सी से कोई भी आउट गोइंग एज नहीं जा रही, तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर डी को कंसिडर करेंगे, डी की कॉस्ट कितनी है माइनस टू, तो डी की कॉस्ट है माइनस टू, अब डी से आउट गोइंग एज ये जा रही है माइनस टू, प्लस वन इज माइनस वन, तो बी तो ऑलरेडी माइनस वन है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। D
टी की कॉस कितनी है, माइनस टू, प्लस फाइव इज थ्री, तो सी की कॉस थ्री आ रही है, जबकि पहले उसमें क्या है, सी में टू है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे करके आप देखोगे तो कोई किसी भी वर्टेक्स के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एज द डिस्टेंसेज आर मिनिमाइज आफ्टर द सेकेंड इटरेशन, सो थर्ड एंड फोर्थ इटरेशन डज नॉट अपडेट द डिस्टेंसेज। मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन हमें कितनी लेनी पड़ेंगी, फोर, शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर टू पे ही पता चल गया कि किसी के भी डिस्टेंस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है सभी की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है सेकेंड इटरेशन में। तो क्या हम थर्ड और फोर्थ इटरेशन अप्लाई करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जो है डिस्टेंसेस को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो हेंस द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम नोड ए टू ऑल अदर नोड्स आर एज फॉलोज। तो शॉर्टेस्ट पाथ एक से लेकर बाकी सब नोड्स का कितना हो जाएगा, जो इस डिस्टेंस अरे में वैल्यू आ चुकी है, जीरो, माइनस वन, टू, माइनस टू, वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए से ए का डिस्टेंस जीरो है, ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है माइनस वन, ए से सी का है टू, ए से डी का है माइनस टू, और ए से ई का है वन।